नग्न हो यीशु की स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की आयद न हो यीशु की स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की हरेक सांस मेरी महिमा गाए तेरी हरेक सांस मेरी महिमा गाए तेरी आराधना हो यीशु की स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की आराधना हो यीशु की स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ईश्वर को हम महिमा देते हैं। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे जो हमारे पापों के लिए मर गया और पुनर्जीवित हो उठा, तुझे हम महिमा देते हैं। बताते हैं, यू आर अ लिविंग गॉड, प्रभु ही सच्चा ईश्वर है, वह जीवंत ईश्वर है। आज हम उस जीवंत ईश्वर की हम स्तुति तथा महिमा हम गाते हैं। वह पवित्र आत्मा का नाम लेते हुए हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे जीवन के हर एक पहलू को हम तुझ पर रखते हैं।
तेरे साथ आगे बढ़ते हैं प्रभु। हे प्यारे पिता, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे जन्म, तेरे मृत्यु तथा पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं यीशु, और उस पवित्र आत्मा पर भी जो कि तूने हमें सबको दिया है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्यार करते हैं यीशु, उस पवित्र आत्मा के खातिर जो तूने हमें उस पेंतकोस्त के दिन में प्रदान किया है प्रभु। उस पवित्र आत्मा से हम सानिध्य होते हुए तेरी स्तुति, तेरी महिमा गाते हैं यीशु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए उस पावन आत्मा की हम स्तुति करते हैं प्रभु। वो पावन आत्मा जो कि हम सबके साथ रहता है, हमें वो वरदान प्रदान करता है प्रभु, अच्छे बुरे सबों का ज्ञान प्रदान करता है। उसी पावन आत्मा के खातिर हम प्रभु यीशु की हम स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, यीशु नन्नी, यीशु स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 यीशु स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, मृत्यु के खातिर हम तुझे महिमान्वित प्रदान करते हैं क्योंकि तू भला है प्रभु। यीशु स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 ऊंचे स्वर से हम प्रभु की स्तुति करें। यीशु, 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 प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु, प्रेज द लॉर्ड, तेरी आराधना करते हैं यीशु। आराधना, 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 और जीवन तू ही है यीशु, हम तुझ पर भरोसा करते हैं यीशु। यूहन्ना का सुसमाचार में तेरा वचन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा।
आज प्रभु आपसे पूछता है, क्या तुम मुझ में विश्वास करते हो? आज प्रभु आपसे पूछता है, क्या तुम मेरे मृत्यु तथा पुनरुत्थान पर विश्वास करते हो? और हां प्रभु, हम उसी आस के साथ, हम उसी भरोसा के साथ हम तुझे कहते हैं कि जी हां, हम विश्वास करते हैं यीशु। उस पुनरुत्थान में हम विश्वास करते हैं प्रभु। यीशु तू जीवित है, इस पर हम विश्वास करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, आमीन। यीशु, 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 दिल में रखे हुए सारे दिल से हम यीशु को पुकारे। पुनर्जीवित यीशु के खातिर जो आज हम सबको पापों से बचाया, एक नवजीवन प्रदान किया है, उस जीवित प्रभु के खातिर हम तेरी महिमा गाते हैं प्रभु। और हम ये गीत गाते हैं, पुनरुत्थान है जीवित प्रभु, पुनरुत्थान है जीवित प्रभु, पुनरुत्थान है जीवित प्रभु, पुनरुत्थान है जीवित प्रभु, सब मिलकर गाए उस पुनर्जीवित यीशु के खातिर। पुनरुत्थान है जीवित प्रभु, पुनरुत्थान है जीवित प्रभु, पुनरुत्थान
पुनर्जीवित है प्रभु, तेरा नाम ऊंचा रहे यीशु, पुनरुत्थान है जीवित प्रभु। हालेलुया यीशु, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से लेकर। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बात ही बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है, उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु उसका साक्ष्य कोई स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उन पर बना रहेगा। क्रिसमस में प्यारे भाई और बहनों, आज मैं थोड़ा सा पुराना थियोलॉजी आप सबों के सामने बताना चाहूंगा। भले ये पुराना थियोलॉजी हो लेकिन आज के वचनों में उसका पूरा पूरा जिक्र है, तो इसलिए इसको पुरानी थियोलॉजी बोलकर नजरअंदाज करना शायद उचित नहीं होगा। प्रभु एक तरह से आज के वचनों में हम सबको एक बात कहना चाहते हैं। मनुष्य की मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु से संभव है। अगर कोई भी इंसान बच जाना है तो वह सिर्फ यीशु से संभव है। आज के वचनों में इसी बात हमारे सामने रखी गई है। वो किस प्रकार होगा इसका प्रमाण आज के वचनों में नहीं दिया गया है, लेकिन इंसान की मुक्ति के लिए प्रभु में विश्वास अति आवश्यक है।
तो हमारे सबके मन में होगा कि जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं उनका क्या हाल हो सकता है, विशेष रूप से मृत्यु के बाद। इसका जवाब आज के सुसमाचार में नहीं दिया गया था। आने वाले दिनों में भी अगर हम पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि इंसान की मुक्ति सिर्फ यीशु से संभव है, उनके पवित्र लहू से संभव है, उनके पवित्र वचनों से संभव है, उन पर विश्वास करने से संभव है। भले हम कैसे भी जीवन हमारे सांसारिक जीवन में जिए, लेकिन इंसान को बच जाना हो, अगर उनकी मुक्ति तय करनी हो और उनकी मुक्ति अगर संभव हो, वह प्रभु यीशु से है। इसका प्रमाण पवित्र वचनों में है, लेकिन इसका प्रमाण पवित्र वचनों में नहीं है कि जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके वचनों को नहीं सुने हैं, उनकी मुक्ति किस प्रकार की होगी, इसकी कोई जानकारी सुसमाचार में नहीं है। लेकिन एक कार्य तय है, एक बात तय है कि इंसान की मुक्ति जो है प्रभु यीशु से ही संभव है। हम लोग अपने आप में बहुत किस्मत वाले मान लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु पर हम विश्वास करते हैं और एक प्रकार से उनके वचनों को जानते हैं, और हम ये भी विश्वास करते हैं कि उनके पवित्र लहू द्वारा हम खरीदे गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, उसी के अनुसार का आचरण करें। प्रभु के वचनों में आज अंतिम वचन इस प्रकार का था, ईश्वर का क्रोध उन पर बना रहेगा, जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर आप सबों के साथ में इस बात को रखा, इंसान जब इस दुनिया में आते हैं उनका समय थोड़ा सा रहता है, और यहां से हर किसी को जाना है, मुझे भी और मुझे सुनने वाले आप सभी को भी। और अगर हमारा जीवन यहां तक सीमित है तो मेरा ये प्रीचिंग व्यर्थ है, आपका ये सुनना व्यर्थ है। लेकिन हमारे शरीर भले इन परिस्थितियों से एक समय निकल जाता है, हमारी आत्मा ईश्वर की ओर संचार करता है, जहां पर कोई सीमा नहीं है, जहां पर कोई बंदिश नहीं है, और वहां सिर्फ असीमता ही है, और उसी को हम मुक्ति कहते हैं। अगर हमारे मुक्ति संभव है, सिर्फ उन्हीं के नाम से संभव है। किस प्रकार हरेक इंसान की मुक्ति प्राप्त होगी, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर जानता है। लेकिन नेक बात अवश्य हम सभी जान ले कि मेरी और आपकी मुक्ति प्रभु के नाम से ही संभव है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमने इस सत्य को जाना है। अगर जब हम इस सत्य को जाना ही है, तो प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष हमारी ऊपर सदा बनी रहे कि हम इस सत्य को हमारे जीवन में जीने की भी कोशिश करें। आमीन। Yeshua, 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 Yeshua.
दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे प्रभु, तू ही कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 और 13 में, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्रभु, हम सारे हृदय मन आत्मा के साथ तेरी दुहाई देते हैं, तुझे पुकारते हैं, तू इस वेदी से उतर कर हमारे जीवन में आ, हमारे घर में आ, हमारे परिवार में आ। तू ही कहता है मैं जीवन देने नहीं बल्कि परिपूर्ण जीवन देने आया हूँ। yes, हाँ प्यारे यीशु, तू इस वेदी से उतर कर आ। तू ही जीवन देने वाला प्रभु है, तू ही मुक्ति देने वाला ईश्वर है, तू नाथों का नाथ है। तू ही कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, हम तेरे पवित्र नाम की योग्यता से मांगते हैं, क्योंकि तू ही कहता है मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। हम तेरे पवित्र नाम की योग्यता से मांगते हैं यीशु, प्रिंसी स्वीटी को समर्पित करते हुए, खिजर मुनि इक्का को समर्पित करते हुए, जिन्हें गर्भाशय इन्फेक्शन है प्यारे प्रभु, इन्हें चंगाई दे, तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे। इनका उद्धार कर प्रभु, तभी इनका उद्धार होगा। हम प्रार्थना करते हैं मेरी पुष्पा बरला को समर्पित करते हुए, विद्या देवी को समर्पित करते हुए, सरमणि को समर्पित करते हुए, जो कैंसर के रोग से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। यिर्मयाह नबी कहते हैं प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, प्रभु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। इस वचन की योग्यता से जितने भी कैंसर रोगी इस समय तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें चंगाई दे तभी वे चंगाई प्राप्त करेंगे, उनका उद्धार कर तभी वे उद्धार प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके उद्धार के लिए, उनके चंगाई के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु लीना फर्नांडिस को समर्पित करते हुए, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए, उसके कैंसर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं रोल्फी नाजरेत को समर्पित करते हुए, उसकी पत्नी नीरा को समर्पित करते हुए, नवीन लकड़ा और मर्सलीन लकड़ा को समर्पित करते हुए, जो संतान की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं। हे प्रभु, तूने मनवाह की पत्नी जो बांझ थी उसे संतान का वरदान देने वाला ईश्वर तू है। हे प्यारे यीशु, इल्काना की पत्नी अन्ना जब तेरे सामने आकर हृदय खोलकर आंसू बहा बहा कर तुझसे प्रार्थना की, तूने उसकी आंसुओं को देखा, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे संतान का वरदान दिया। उसी प्रकार प्रभु इन सभी निसंतान दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे साथ जुड़े हर एक विश्वासी अविश्वासी निसंतान दंपतियों के ऊपर दया दृष्टि कर प्रभु। जिस प्रकार तुझे एलिजाबेथ का याद आया, उसी प्रकार सभी निसंतान दंपतियों का स्मरण कर और उन्हें संतान का वरदान दे। हे अब्बा, हे पिता, इन सभी अर्जियों को लेकर तेरे पुत्री सा नाजरी के नाम पर मांगते हुए इस समय हम तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah. O Yeshu, aradhana, 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 aradhana. O Shiara baradiri, diri, 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 hallelujah, 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 hallelujah. दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।
हे प्यारे यीशु, पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी, तूने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 22 में कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु, हम अपने विश्वास के कारण नहीं, हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि तेरी दया पर, तेरी करुणा पर, तेरे प्रेम पर भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए इस समय हम दुहाई देते हैं। सरिता को समर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन हैमरेज हो गया है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद के साथ अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उदय प्रकाश क्रिकेटा को समर्पित करते हुए, नील को समर्पित करते हुए, अमित को समर्पित करते हुए, हे यीशु, इनकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी की आशीष दीजिए। और जितने भी बेरोजगार भाई बहन, चाहे वह विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी की आशीष दीजिए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं नीरज को समर्पित करते हुए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु निर्जा को समर्पित करते हुए, उसके सभी शारीरिक मानसिक रोगों से, बीमारियों से उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं युक्रिस्त में उपस्थित पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी, इस नित्य आराधना में जितने भी रोगी भाई बहन तेरे साथ जुड़कर अपने रोगों को, अपने दुखों को, अपने बीमारियों को, अपने परेशानियों को, अपनी विपत्तियों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, व्यवसाय को, खेती बाड़ी को तेरी ओर उठा रहे हैं, प्रभु दया कर उन पर, अपनी करुणा उन पर बरसने दे, और अपना दाहिनी हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, हे पुनर्जीवित ईसा नाजरी, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को अर्पित करते हुए, यह संचार केंद्र तेरे नाम से पुकारा जाता है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इसीलिए विलम्ब न करते हुए अपने आप को महिमान्वित कर, और उन सभी भाई बहनों के जीवन में जो आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से सुसमाचार प्रचार प्रसार के लिए इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में 100 गुना बरकत दे। हे अब्बा हमारे पिता, इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 ओ यीशु, आराधना 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 हे मुक्तिदाता, अपना दाहिने हाथ बढ़ा दे, दियारा बरा दे रे 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 Hallelujah, 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 हालेलुया ज्योति देने आजा यीशु आजा।